नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज वीडियो में हम आप लोग को HDFC बैंक के वेलकम किट का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आप लोगों को बताएंगे कि HDFC बैंक के वेलकम किट में आप लोगों को क्या क्या रिसीव होता है, कि सर्विसेज आप लोगों को क्या क्या मिल जाती हैं, डेबिट कार्ड की क्या क्या सर्विसेज हैं, लिमिट कितनी है, सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपके सामने HDFC बैंक का वेलकम किट रखा हुआ है और ये मैंने रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन किया था, ये मैंने अगस्त 2020 में ओपन किया था, बट मैंने इसकी फुल केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाई थी और जस्ट मैंने अभी 15 दिन पहले इसकी फुल केवाईसी कंप्लीट कराई है। तो ये लगभग 15 दिनों के अंदर ही ये मेरे पास डेबिट कार्ड यानी कि जो वेलकम किट है वो रिसीव हो चुका है। तो फुल केवाईसी जब भी आप लोग कंप्लीट कराओगे, अभी तो वीडियो केवाईसी चल रही है, जब मैं अकाउंट ओपन किया था तो वीडियो केवाईसी फैसिलिटी नहीं थी, तो इसीलिए मुझे ब्रांच विजिट करना पड़ा। तो जब भी आप लोग अपनी फुल केवाईसी कंप्लीट करवा लेते हो, उसके 15 दिनों के अंदर ही आपको अपना वेलकम किट रिसीव हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हमें वेलकम किट रिसीव नहीं हुआ हमारे एड्रेस पे तो फिर हमें क्या करना होगा। तो अगर आपके एड्रेस पे ये वेलकम किट रिसीव नहीं होता है तो ये फिर चला जाता है ब्रांच पे, यानी कि जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच पे चला जाता है। तो अगर आपको वेलकम किट रिसीव नहीं होता है तो आप अपने ब्रांच जाकर पता कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये वेलकम किट मिल जाएगा अगर रिसीव नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके सामने मैंने इसका पैकेट रखा हुआ है और यहाँ पे ये इसकी जो कवरिंग है वो बहुत ही शानदार की गई है और यहाँ पे सबसे ऊपर एक QR कोड दिया हुआ है, इसको अगर आप लोग स्कैन करोगे तो HDFC बैंक के जो वेलकम किट है इसके बारे में पूरा डिटेल में आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ यहाँ पे HDFC बैंक का लोगो और यहाँ पे इसकी पंचलाइन यहाँ पे दी हुई, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, बैंक आपकी मुट्ठी में। तो चलिए इसको फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं। और वैसे तो मैंने इसको पहले से ओपन करके देख लिया है, लेकिन आपको दिखा देता हूँ कि इस वेलकम किट में आप लोग को क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको मिल जाता है एक वेलकम लेटर, जहाँ पे आपका डेट, नेम और किस डेट को अकाउंट ओपन किया था और इसके साथ ही आपका पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन है। और इसमें इसमें साफ साफ ये भी लिखा गया है कि अगर आपको ये HDFC बैंक का वेलकम किट रिसीव नहीं होता आपके एड्रेस पे तो ये रिटर्न कर दिया जाता है आपके ब्रांच पे। और यहाँ पे सबसे ऊपर आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और इसमें आप लोग को क्या क्या अदर चीज़ मिल जाती है वो भी लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें आप लोग को एक चेकबुक मिलेगा, एक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग पिन और पासबुक एक आपको दिया जाएगा। ये तो हो गया वेलकम लेटर। चलिए मैं इसको और बगल रख लेता हूँ और देखता हूँ इसमें और आप लोग को क्या क्या मिल जाते हैं। तो इसके साथ ही ये आपको मिल जाता है डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड के साथ ये एक लेटर भी है जिसमें डेबिट कार्ड की सारी फैसिलिटीज़ के बारे में आप लोग को बताया गया है। सबसे पहले तो आपका नेम और एड्रेस पूरा लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, इसके साथ ही चिप डेबिट कार्ड, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें आप लोग को चिप डेबिट कार्ड मिलता है। और इसमें अगर आप लोग रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो तो आप लोग को मिलेनिया डेबिट कार्ड मिलता है और यहाँ पे आप लोग का अकाउंट नंबर और डेबिट कार्ड नंबर भी लिखा हुआ है। और इसके साथ ही मैं आप लोग को बता दूँ, जो इसकी डेली डोमेस्टिक शॉपिंग लिमिट है वो 3,50,000 रुपये इसकी डेली डोमेस्टिक शॉपिंग लिमिट है। और इसमें आप लोग को जो ATM लिमिट मिलती है ATM से कैश विड्रॉल करने की, वो डेली की है 50,000 रुपये। तो जैसे आप लोग इस लेटर को फोल्ड करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है ये आपका डेबिट कार्ड। ब्लू कलर में इसका जो डिज़ाइन की गई है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे सबसे ऊपर HDFC बैंक का लोगो है, यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है यानी कि ये डेबिट कार्ड है, यहाँ पे आप लोग को चिप दिया हुआ है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बनाता है इसको, यहाँ पे मिलेनिया लिखा हुआ है। और अदर बैंक्स में आप देखते होंगे कि जो इसका कार्ड नंबर होता है डेबिट कार्ड का वो ऊपर लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर नहीं लिखा, इसके बैक साइड में लिखा हुआ है, नीचे आपका जो कार्ड होल्डर का नेम लिखा हुआ है। तो बैक साइड में आपका कार्ड नंबर, 14 डिजिट का जो कार्ड नंबर होता है वो लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर। तो ये सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर की एक पट्टी दी हुई, इस पर आप लोग को अपना सिग्नेचर कर लेना है। इस डेबिट कार्ड में मैंने आप लोग को लिमिट बता ही दिया कि कितना लिमिट है, 3,50,000 रुपये परचेजिंग की, डेली परचेजिंग की लिमिट है, और ATM विड्रॉल लिमिट है 50,000 रुपये डेली। और डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कैसे करते हैं ये मैं आप लोग को एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर दोनों को इसी में एडजस्ट करेंगे, तो उसका एक अलग वीडियो आपको मैं दिखा दूंगा कि डेबिट कार्ड का, HDFC बैंक के डेबिट कार्ड का पिन कैसे जनरेट करते हैं। वैसे इसका पिन जनरेट हम तीन माध्यम से कर सकते हैं, पहला नेट बैंकिंग, दूसरा है मोबाइल बैंकिंग और तीसरा है ATM यानी कि HDFC के ATM विजिट करके। तो मैं आप लोग को नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ही बताऊँगा, क्योंकि घर बैठे ही आपका डेबिट कार्ड का पिन जनरेट हो जाएगा।
और यहाँ पे इस लेटर में आप लोग को और भी कई सारे जो डेबिट कार्ड की और में आप लोग को फैसिलिटी मिल जाती वो लिखी हुई है, जैसे इसको आप लोग पूरा एक बार रीड कर लेंगे। अगर बात करते हैं इसके बैक साइड की, तो इसके बैक साइड में आप देख सकते हो एटीएम कार्ड के पिन जनरेट करने के बारे में बताया गया है वाया नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड एटीएम के माध्यम से आप लोग अपना पिन जनरेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया डेबिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ ये जो लेटर है। इसके बाद अब देख लेते हैं इसमें वेलकम किट में आप लोग को और क्या क्या मिल जाता है। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, आप लोग को एक मिल जाता है ये चेकबुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेकबुक की डिज़ाइन वगैरह बहुत ही अच्छी की गई है, और इसमें ये आप लोग को केवल 5 पेज का चेकबुक मिलता है। अगर वेलकम किट में देखा जाए तो 5 पेज का ही चेकबुक आपको मिलेगा, और अगर आप लोग को एक्स्ट्रा कभी ज़रूरत होती है तो आप लोग नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। इस वेलकम किट में आप लोग को मिल जाता है ये पासबुक। पासबुक अभी यहाँ पर पूरी तरीके से ये ब्लैंक है, बट अगर आप लोग इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप लोग अपने ब्रांच जाकर इसको प्रिंट करवा सकते हो। इसके साथ ही और इसमें आप लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन कॉपी मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग सब कुछ इसको एक बार रीड कर लोगे इंस्ट्रक्शन कॉपी। सर यहाँ पे डेबिट कार्ड के बारे में सब कुछ बताया गया है, और इसके साथ ही ये इसमें आप लोग को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है सेविंग अकाउंट के बारे में, जो सर्विस चार्जेस होती है फीस होता है वो यहाँ पे पूरा मेंशन है, तो इसको भी आप लोग पूरा रीड कर लेंगे। पूरा इसमें आप लोग को सारा सर्विस एंड चार्जेस दिया हुआ है। टर्म्स एंड कंडीशन का ये है, इसको आप लोग पूरा पढ़ लेंगे। इसके साथ ही इस एक कॉपी और आपको मिलती है HDFC बैंक के लोन वगैरह के बारे में, सब कुछ इसमें आप लोग को मेंशन है, तो आप लोग इसमें से भी पूरा पढ़ सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये हमारे द्वारा अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर पसंद आएगी। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया, अगर आप लोग रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें आप लोग को मिलेनिया डेबिट कार्ड जो मिलता है वो फ्री बिल्कुल नहीं होता है। इसमें आप लोग को फर्स्ट टाइम तो ये डेबिट कार्ड फर्स्ट टाइम फ्री में रिसीव होता है, लेकिन जो इसकी एनुअल फीस है वो 500 रुपीज़ आपको एनुअल फीस पड़ेगी, यानी कि हर साल इस डेबिट कार्ड के आप लोग को 500 रुपये आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इसके साथ अगर आप लोग रिप्लेसमेंट करवाते हो, यानी कि अगर आप लोग का कार्ड डैमेज होता है, लॉस हो जाता है, अगर आप लोग रिप्लेसमेंट करवाते हो तो उसके 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस आप लोग को लिए जाएंगे। एडिशनल डेबिट कार्ड अगर आप लोग बाद में कोई डेबिट कार्ड इशू करवाते हो तो उसके 750 रुपये अलग से लगेंगे। ये तो हो गई डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में, सब कुछ मैंने आप लोग को डिटेल में जानकारी दे दी है। तो इसीलिए आप लोग ये जो इस वेलकम किट में इंस्ट्रक्शन और टर्म्स एंड कंडीशन, सर्विस चार्जेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको एक बार पूरा रीड कर लेंगे, तो आप लोग को इस अकाउंट के बारे में, साथ ही इसमें जो डेबिट कार्ड के बारे में जो सर्विसेज हैं, सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर कर देना है, और इसी तरह की हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।